आजकल हीरा मंडी स्टाइल चल रहा है ना, सूट ये बिल्कुल वैसी वाली वाइब दे रहे हैं। क्लियरली कंफ्यूज, यहाँ पे वैरायटी इतनी है कि कंफ्यूजन हो जाती है। नेट के ऊपर है सारा हैंडवर्क, थ्रेड के काम है ये सर। हैंडवर्क है तो साड़ी भी बहुत अच्छी बनेगी, वो इट्स वेरी हैवी, लड़कों के लिए भी बन सकता है उसमें। Hi guys, my name is Kashika. Welcome back to my channel. I hope you're healthy and happy wherever you are. I'm so super excited today because this is literally my first ever outfit from scratch kind of एक्सपेरिमेंट। मैंने इससे पहले कभी भी ऐसे प्रॉपर नहीं बनवाया है, सो इस बार मेरा मन था एक प्रॉपर अच्छा सा ट्रेंडी आउटफिट बनवाने का। माई बेस्ट फ्रेंड इज गेटिंग मैरिड, सो आई रियली वॉन्ट अ नाइस ट्रेंडी ब्राइड्स मेड काइंड ऑफ आउटफिट, और मुझे एकदम ट्रेंडी वाले फैब्रिक चाहिए जो आजकल डिजाइनर ब्रांड्स बनाती है ना, और मुझे वो बजट में बनाना है बिकॉज मेरा ज्यादा इस बार बजट नहीं है। सो आई फाउंड अ स्टोर इन लाजपत नगर विच इज कॉल्ड पारस गैलरी, उनके पास बहुत अच्छी मुझे कलेक्शन दिखी, मैंने ऑनलाइन सर्च किया, आई फाउंड सम रियली गुड स्टफ देयर, सो लेट्स गो देयर क्विकली। मैं सबसे पहले जाके देखूंगी, ये मेरा मूड बोर्ड है, मैं यहाँ पे इंसर्ट कर दूंगी। दिस इज अ काइंड ऑफ वाइब दैट आई वांट इन माय आउटफिट, जो थोड़े पेपलम स्टाइल होते हैं, नीचे गरारा पैंट्स होती है, लेकिन मुझे एकदम ट्रेंडी फैब्रिक में चाहिए एंड आई थिंक मुझे वहां पे डेफिनेटली मिलने वाला है। सो लेट्स क्विकली गो देयर, सबसे पहले देखते हैं वहां की कलेक्शन कैसी है एंड देन विल डिसाइड कि हमें कौन से मटेरियल के साथ ये आउटफिट फ्रॉम स्क्रैच बनाना चाहिए, और फाइनल आउटफिट भी मैं इसी वीडियो में दिखा दूंगी। सो या विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स गेट स्टार्टेड, फटाफट से तैयार होते हैं एंड लेट्स गो। Okay, so we have finally reached to the store. This is the store name Paras Gallery, a land of fabrics. Super excited to see. And by the way, सबसे बेस्ट बात यह है कि ये मेट्रो के बिल्कुल पास में है। You can see मेट्रो का गेट नंबर 5 है और यहाँ से आप वॉक करके आ सकते हो। It's very nearby. So let's quickly go inside and see. So I've arrived at the Paras Gallery. I can see some really nice fabrics. In fact, बहुत ज़्यादा ही fabrics हैं यहाँ पे. So फटाफट से देखते हैं कि मेरा जो outfit है उससे close कौन सा होने वाला है. I can see some good fabric here. एक बार ये वाला golden दिखाएंगे. ये net के ऊपर है, सारा handwork, thread के काम है ये सर. Handwork है. Oh beautiful. So falls वगैरह का भी काम है. इसका क्या रेट है? 1095 रुपीस पर मंथ पर मीटर है, बड़े पने में ये। और ट्रेंडी में क्या चल रहा है, बिकॉज़ मैं थोड़ा ट्रेंडी बनाना है, आप बताओ आजकल ट्रेंडी में सबसे ज्यादा कौन सा चल रहा है? नाइस शिमरी शिमरी, ये देखिए इस तरह की जो देख रहे हैं सारा हैंडवर्क है ये। साड़ी लहंगा गाउन अच्छा, इसका साड़ी भी बहुत अच्छी बनेगी, वो इट्स वेरी हैवी। इसे क्या ट्रेंड में है ये अभी, ये 125 रुपए पर मीटर है, ये सारा हैंडवर्क का, हैंडवर्क का काम है। ओके दिस इज ब्यूटीफुल, इसकी साड़ी काफ़ी अच्छी बन सकती है। आई थिंक मेजरली लोग इसकी साड़ीज ही बनवाते हैं ना आजकल वाली साड़ी। चिनॉन शिफॉन, चिनॉन प्रिंट प्लस वर्क, जड़ी प्लस सीक्वेंस का काम है ये सारे, ब्यूटीफुल। क्या रेट रहेगा इसका? 40 रुपए मीटर, ठीक है। इसमें काफ़ी कलर्स हैं, पैटर्न अलग हो जाएगा, ये बंदेज में देख सकते हैं इस तरह के प्रिंट प्लस। नाइस, एक बार ये वाला निकालो, ये जॉर्जेट के ऊपर है मिरर वर्क। आई थिंक ये मेन कुर्ताज भी जो बनवाते हैं ना, लड़कों के लिए भी बन सकता है इसमें। क्या रेट रहेगा इसका? 885 रुपये मीटर। ओके, ये कौन सा फैब्रिक है? जॉर्जेट पे, ये जॉर्जेट पे, ठीक है। और ये कौन सा मटेरियल है? जॉर्जेट पे, जॉर्जेट पे, ठीक है। चलो कट वर्क में, इसकी ड्रेसेस भी काफ़ी चल रही हैं। ये 925 रुपये मीटर है, बड़े पनी, ठीक है। आउटसेट वगैरह जैकेट के लिए आजकल लहंगे जो बनते हैं जी, आजकल ऐसी जैकेट्स काफ़ी ट्रेंडिंग में चल रही हैं, तो लोग ऐसे पैच वर्क वाली जैकेट्स बनवाते हैं ना। इसका क्या रेट है? 1010, ठीक है। और क्या वर्क है इस पर? ये सारा प्रिंट प्लस वर्क है, जड़ी सीक्वेंस के काम है सारा। ओके, लहंगे के लिए आजकल काफ़ी चल रहा है ना लहंगा, अनारकली, अनारकली या लहंगा कुछ बनवाना, बड़े पने में नीचे बॉर्डर आएंगे। इसका क्या रेट है? 725, ठीक है। ओह दिस इज़ ब्यूटीफुल, ये काफ़ी सुंदर है। ये जॉर्जिया टिश्यू के ऊपर आ जाएंगे, टिश्यू जी, ये भी हैंडवर्क है, मल्टी हैंडवर्क के साथ है, बहुत अच्छा है, वेरी ब्यूटीफुल मीटर है। किया जाएगा क्रेप के ऊपर है, इसका भी लहंगा बहुत सुंदर बन सकता है। ये 770 रुपये मीटर, टिश्यू जॉर्जेट ऊपर है, मल्टी दामन बॉर्डर, क्या कहते हैं इसको, मल्टी बॉर्डर, मल्टी बॉर्डर जी।
बहुत सुंदर के साथ है, बहुत सुंदर टेंपल वर्क किया हुआ है। इसका क्या 635 मीटर है, ये डाइवल भी है, आप डाई भी करा सकते हैं पेस्टल कलर। ओके, तो आपको अगर किसी कलर में डाई कराना हो या फिर ऐसे पहनो, आप दोनों तरीके से पहन सकते हो। सो कलेक्शन नो डाउट यहाँ पे काफ़ी अच्छी है, बट अगेन मेरा बजट कंस्ट्रेन है, मुझे बजट में बनाना है ब्राइड्समेड आउटफिट। सो देखते हैं कि हमारे बजट में क्या बैठता है। आई थिंक मुझे 5 मीटर के अराउंड वो कपड़ा चाहिए होगा फॉर द स्टिचिंग थिंग। आपके पास थोड़ा कम बजट में मिल जाएगा? लाइट रेंज में जितने भी हैं ये देख सकते हैं, बाकी इधर सामने भी है कम रेंज में, अच्छे से 400-500 आपको हर तरह के रेंज मिल जाएंगे आपको। ओके, दिस इज़ द फर्स्ट फ्लोर ऑफ पारस गैलरी। यहाँ पे भी काफ़ी अच्छे मुझे मटेरियल्स दिख रहे हैं, एक बार आइडिया दोगे यहाँ पे कौन से मटेरियल है? यहाँ पे हर तरह की है, जैसे जॉर्जेट प्रिंट्स है, मसलिन प्रिंट्स है, कॉटन प्रिंट्स है, ये सारा कॉटन प्रिंट्स है, लीलन प्रिंट्स आ जाएंगे, ये सब जॉर्जेट प्रिंट्स हैं, ये सारा जॉर्जेट प्रिंट आ जाएंगे। तो अगर हमें कॉटन की भी कोई समर ड्रेस बनवानी हो, एक बार थोड़े से ट्रेंडिंग में दिखा सकते हैं आजकल कौन से चल रहे हैं कॉटन ड्रेस में? ये सब ऑल ओवर में है, कॉट सेट वगैरह, जैसे कॉट सेट बनवाने होते हैं, काफ़ी लोग स्क्रैच से कॉट सेट बनवाते हैं अपना, तो वो भी यहाँ से बनवा सकते हैं। काफ़ी अच्छा समरी समरी मटेरियल है, एंड द प्रिंट्स आर आल्सो वेरी ट्रेंडिंग जो आजकल चल रहा है। ये भी चल रहा है, रेयॉन कॉटन है, ये रेयॉन कॉटन जी। इनका क्या मीटर रहेगा बेसिकली? 275 पर मीटर। 275 पर मीटर जी, ठीक है। वो वेरी सॉफ्ट जॉर्जेट, दिस इज सैटन जॉर्जेट जी। अच्छा, जो ड्रेसेस बनती हैं सैटन वाली, साड़ीज और साड़ीज़ के लिए भी काफ़ी अच्छा फैब्रिक है। अरमानी साटन में, अरमानी साटन, ये इम्पोर्टेड फैब्रिक बड़े पन्ने में है, ये कॉर्सेट वगैरह ड्रेस गाउन कुछ भी बना सकते हैं, रनिंग मटेरियल है। ओके, क्या कितने मीटर रहेगा ये? 435 पर मीटर है ये। ओके, एंड प्रिंट्स आ जाएंगे ये सारा, ये आ जाएगा क्रेप प्रिंट्स, ये ऑर्गेंजा में आ जाएंगे इस तरह की सॉफ्ट ऑर्गेंजा प्रिंट्स। आजकल ऑर्गेंजा की साड़ीज़ भी काफ़ी चल रही हैं। इसका कितना मीटर है? 275 पर मीटर। क्या नाम है मटेरियल का? मॉस क्रेप। मॉस क्रेप कितना मीटर है ये? 325 पर मीटर। 325 पर मीटर। सो बेसिकली इनके पास समर के लिए भी काफ़ी अच्छे हैं, अगर आप समर ड्रेस कोई भी कॉट सेट बनवाना चाहते हो स्क्रैच से, कॉटन पे एम्ब्रॉयडर्ड वगैरह, ये सारे कॉटन पे एम्ब्रॉयडर्ड है। ओके, सारे कॉटन पे एम्ब्रॉयडर्ड है, इस तरह की कॉटन पे एम्ब्रॉयडर्ड वगैरह देख सकते हैं, ये एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है। नाइस, ये मैंने मिंत्रा में भी काफ़ी देखे हैं, काफ़ी महंगे आते हैं वाले, सो अगर आपको स्क्रैच से बनवाना है आप स्क्रैच से ही बनवा सकते हो, आपके काफ़ी बजट में बन जाएगा। ये किया गया है हकोबा फ्रेम, क्या कहते हैं इसको, हकोबा कटवर्क। ओके, ये डाइबल भी है, आप डाई भी कर सकते हैं। हाँ, ये भी आजकल इनकी ड्रेसेस बहुत चल रही हैं। आई कैन सी दुपट्टाज एज वेल, बिकॉज काफ़ी लोग सूट ले लेते हैं लेकिन दुपट्टा नहीं मिलता, थोड़े से दुपट्टे एक बार दिखा सकते हैं? क्या रेंज रहेगी इनकी? 820-1900 अलग अलग प्राइस के हैं इसमें। ओके, इसमें काफ़ी अच्छे कलर्स अवेलेबल हैं इनके पास, प्योर, दिस इज़ प्योर। क्या रेंज रहेगी इसकी? ये 5500 रुपये की है दुपट्टे ये। ओके, बाकी ये सब जॉर्जेट वगैरह शिफॉन में ये सब डाइबल आ जाएंगे, कोई भी कलर में आप डाई करा सकते हैं। अच्छा, ये डाइबल है जी, इसमें आपको बहुत सारे पैटर्न डिजाइन, आपको अलग अलग डिफरेंट डिजाइन मिल जाएंगे। ओके, दिस इज़ द सेकेंड फ्लोर ऑफ पारस गैलरी। आई कैन सी सम प्लेन फैब्रिक्स राइट ओवर हियर। यहाँ पे एग्जैक्टली कौन से फैब्रिक्स हैं? यहाँ सारा प्लेन फैब्रिक्स मिल जाएंगे आपको। ओके जी, इधर बाकी ब्रोकेट्स वगैरह मिल जाएंगे आपको, ये सारा बनारसी ब्रोकेट्स वगैरह सारे आ जाएंगे, ये कलियाँ आ जाएंगे, ब्रोकेट्स की कलियाँ हैं, बाकी इस तरह जॉर्जेट वगैरह नेट पर कलियाँ मिल जाएंगे आपको, ये सारे डाइबल भी है, ये सारे डाइबल में जी, ठीक है। ये सब चंदेरी में आ जाएंगे, ये सब डाइबल है, कुछ भी बना सकते हैं, मेंस को कुर्ता के लिए भी ले सकते हैं आप, सूट वगैरह जो मर्जी। अच्छा, ये मेन कुर्ता के लिए भी है? हाँ जी, मेंस को कुर्ता के लिए भी बना सकते हैं, इन केस किसी को अपनी शेरवानी भी स्क्रैच से बनवानी हो बनवा सकते हैं। मेन के भी सारे डाइबल होते हैं ना? हाँ जी, ठीक है। इस तरह के ये मेन कुर्ता के है जी, ये हैंड वर्क में आ जाएंगे, सो किसी को अगर शेरवानी बनवानी हो वो भी बनवा सकते हैं। वाओ, दिस इज ब्यूटीफुल, ये हैंड वर्क पे है जी, सारा हैंड वर्क है ये जी। ये सारा मेंस के लिए है, जैसे कुर्ता वगैरह शेरवानी के लिए। ओके, ये सारे देख सकते हैं, अलग अलग कलर आएंगे, अलग अलग डिजाइन है, इसमें बहुत सारे पैटर्न हैं। हाँ, ये आजकल मेन कुर्ता में काफ़ी चलते हैं, अगर किसी को एंगेजमेंट रिसेप्शन या कोई फंक्शन के लिए मेन कुर्ता भी सिलवाना है तो अपना मेन कुर्ता भी सिलवा सकते हो। बहुत अच्छा थ्रेड का काम है, बिल्कुल सीक्वेंस। और इधर कौन से फैब्रिक है? ब्रोकेट्स हैं ये सारे, ब्रोकेट्स हैं। ओके, लहंगा वगैरह कुछ भी बना सकते हैं आप, रनिंग मटेरियल में ये मैंने काफी ट्रेंडिंग है, आई थिंक ये क्रश टिश्यू है, क्या कहते हैं इसको, क्रश टिश्यू,
ओके जी, आजकल साड़ी वगैरह सूट गाउन लहंगा अनारकली कुछ ही बना सकते हैं। इनके मैंने बहुत साड़ी देखी है ट्रेंडी वाले। कौन से फैब्रिक है? जॉर्जेट प्लेन। अच्छा, इंपोर्टेड जॉर्जेट। देन दे हैव कैटेगराइज्ड एवरीथिंग रियली वेल। ये कौन सा सेक्शन है? ये नैसा सिल्क है, साटन जॉर्जेट प्रिंट। ओके, एंड देन वी हैव सम मोर मॉडल कॉटन। ओके, आई फाइनली रीच टू द फ्लोर विच इज क्वाइट सिमिलर टू द आउटफिट दैट आई वॉन्ट। मैंने इंस्पिरेशन आपको स्टार्टिंग में दिखाई थी, अब मैंने फाइनल कर लिया एक आउटफिट जो मुझे अच्छा लग रहा है। नाउ द मेन चैलेंज इज टू सेलेक्ट द फैब्रिक, एंड एज आई टोल्ड यू मेरा बजट का कंस्ट्रेन है, मैं ज़्यादा महंगा नहीं बनवाना चाहती, आई वॉन्ट समथिंग इन बजट। सो अब मैं अपने बजट से रिलेटेड कुछ देखती हूँ, एंड द आउटफिट दैट आई हैव चोजन आई थिंक उसके लिए 5 meters के अराउंड कपड़ा जाएगा। सो लेट्स सी एंड चेक कि कौन सा हमारे बजट में आ सकता है, एंड ऑफकोर्स इट हैज़ टू लुक ब्यूटिफुल। Now this is the final outfit which I have chosen. Of course the style, fabric ऐसा नहीं, because इसकी pants मुझे इतनी पसंद नहीं आ रही, fabric मैं थोड़ा सा different लूँगी, but style कुछ ऐसे ही होने वाला है, and V-neck थोड़ा ज़्यादा deep है, इतना deep नहीं बनवाना। So these are the fabric जो भैया निकाल रहे हैं related to my budget. So let's see क्या match होता है upper के लिए lower के लिए, and मुझे tone भी थोड़ी सी similar चाहिए, like a goldenish tone. So we have few options right over here. ओके, सो आई हैव शॉर्टलिस्टेड फ्यू फैब्रिक्स जो थोड़ा सा क्लोजर है टू द लुक दैट आई हैव थॉट फ्रॉम पिंटरेस्ट, एंड ये मुझे आइडिया दे दो क्या मटेरियल है, बिकॉज़ मुझे तो आइडिया नहीं रहता। दिस इज ये टिश्यू जॉर्जेट है, टिश्यू जॉर्जेट प्लस मिरर जड़ी विद सीक्वेंस। ओके जी, ठीक है। और ये कितना मीटर रहेगा, क्या रेट है इसका? ये 660 रुपये मीटर है। ठीक है, 660। ये डाइबल भी आप डाई भी करा सकते हैं कोई भी कलर में। अच्छा, अगर किसी को डिफरेंट कलर में आउटफिट बनवाना हो तो वो डाई भी करा सकते हैं, एंड डाई आप करके देते हैं? जी, ठीक है। उसके क्या चार्जेस रहते हैं? 100 रुपीज पर मीटर। 100 रुपीज पर मीटर, ठीक है। तो यू कैन गेट इट डाइड एज वेल। ये अपर भी बना सकते हैं, ये आपका लोअर के लिए जैसे प्लाजो पैंट्स शरारा कुछ ही बना सकते हैं। इसका आई एम थिंकिंग इसका पैंट अच्छी बन सकती है। इसका क्या मीटर रहेगा? ये 800 पर मीटर। ओके, ठीक है। और ये क्या मटेरियल है? टिश्यू जॉर्जेट, सेम फैब्रिक से है, दिस जड़ी मिरर ये सीक्वेंस। ओके, वर्क ठीक है। एक ये भी मुझे पसंद आया था, बट अगेन ये मुझे मटेरियल थोड़ा ये जॉर्जेट के ऊपर है, मिरर वर्क विद सीक्वेंस। आई लव द ब्लिंग दो, आजकल जो लड़के कुर्ते पहनते हैं वो काफी ऐसे वाले ब्लिंग के होते हैं। कितने ये 695 मीटर है, ये okay. ये भी डाइबल है, कोई भी कलर में डाई करा सकते हो। दुपट्टा तो नहीं जाएगा, ये तो खाली पैंट और सूट वाला है ना, तो इसमें दुपट्टा नहीं जाएगा, बट दे हैव दुपट्टाज एज वेल, मैं बता रही हूं। आई थिंक ये पैंट्स के लिए सही लगेगी, आई लव द बॉर्डर वर्क एज वेल, और इसका जो टिश्यू जॉर्जेट की ब्लिंग है ना वो भी काफ़ी अच्छी आ रही है। सो दिस इज डन फॉर द पैंट्स, एंड अपर के लिए सी। ट्रस्ट मी द वराइटी वॉज ह्यूज, मतलब आप पिंट्रेस्ट पे जो मटेरियल देखोगे ना वो पारस गैलरी में आपको मिल जाएगा। मैंने अपने बजट के हिसाब से इनको बोला था, इन्होंने सारे फैब्रिक्स निकाल दिए जो मेरे बजट में आते हैं। सो फिर मैंने डिसाइड किया कि टॉप के लिए कौन सा लेना है। सो मुझे एक थोड़ा सा ब्लिंगी भी चाहिए था, लेकिन लाइट में भी चाहिए था। जो इमेज में था वो एक्सट्रीमली हैवी वाला फैब्रिक था, वो इतना हैवी मेरा बजट नहीं था, उसी का ही मुझे एक लाइटर वर्जन बनाना था, लेकिन वो ब्लिंगी भी होना चाहिए। सो इन्होंने बहुत अच्छी टिश्यू जॉर्जेट की कलेक्शन निकाली, और ये सारे डाइबल हैं, तो इनको आप अपने कलर में भी डाई करा सकते हो, लेकिन मुझे एक्जैक्टली यही वाला उनका कलर चाहिए था, तो आई थिंक मुझे डाई कराने की नीड नहीं हुई। एंड फाइनली आफ्टर लॉट ऑफ इंट्रोस्पेक्शन आई फाइनलाइज द आउटफिट फॉर द पैंट एंड पेपलम टॉप। ओके, माय फैब्रिक इज डन, अब मुझे इसको स्टिचिंग के लिए देना है। नाउ एवरीथिंग इज डन। एक चीज और डाउट है मुझे, बिकॉज मेरी ऑडियंस दिल्ली से बाहर की भी है, सो दिल्ली से बाहर अगर कोई रहता हो जिसको स्पेशल ओकेजन के लिए लेना हो या जो भी हो, वो बेसिकली आपसे कॉन्टैक्ट कैसे करेंगे? व्हाट्सएप पे वी आर अवेलेबल। ओके, दिस इज आवर कॉन्टैक्ट डिटेल्स, बोथ द नंबर्स ऑन व्हाट्सएप इज अवेलेबल। यू कैन ऑलवेज ड्रॉप बाय एंड वी कैन सेंड यू द पिक्चर्स, इफ यू कैन, यू कैन सेंड अ रेलेवेंट पिक्चर। ओके, तो अगर जो दिल्ली से बाहर रहते हैं उनके पास कोई आउटफिट इंस्पिरेशन हो, हां बिल्कुल, वो आउटफिट भेजते हैं उसमें व्हाट्सएप पे। ओके, एंड देन वी कैन सेंड द रेलेवेंट फैब्रिक, व्हिचएवर फैब्रिक इज द मोस्ट रेलेवेंट फैब्रिक, ओके, अकॉर्डिंग टू द आउटफिट व्हिच द पर्सन इज शोइंग, वी कैन सेंड द पिक्चर्स। ओके, एंड आपको डिलीवर, मतलब दे कैन पे ऑनलाइन, एंड द शिपिंग चार्जेस ऑन कस्टमर। ओके, एंड दे कैन पे इट ऑनलाइन, एंड वी कैन शिप इट बाय, वी शिप इट बाय डीडी। ओके, सो दे शिप एज वेल, जो भी डिलीवरी एंड ऑल होगी वो ऑब्वियसली आप पे कर सकते हैं, एंड जो भी आप सेलेक्ट करोगे फैब्रिक आप यहाँ से ले सकते हो, घर बैठे बैठे आपके पास फैब्रिक भी आ जाएगा, आपको अननेसेसरी ट्रैवल करने की जरूरत नहीं है। एंड या, सो दैट इज़ इट फॉर द टूर। अब इसके बाद जो फाइनल लुक है वो आपको इसके बाद दिख जाएगी।
सो फाइनली ये था मटेरियल जो मैंने चूज़ किया है. ये लिया है मैंने टिशू जॉर्जेट का फॉर द टॉप, पेपलम टॉप जो बनने वाला है 660 रुपीज़ पर मीटर. टेलर ने कहा था 2 मीटर के अराउंड टॉप के लिए जाएगा. एंड पैंट्स के लिए मैंने आपको दिखाई दिया था, वो वाला लिया था मैंने 800 रुपीज़ पर मीटर, 3 मीटर का उन्होंने बोला फॉर पैंट्स, बिकॉज गरारा पैंट्स जाएंगी. एंड अलग से उसमें लेस लगी है 500 रुपीज़ की जो पेपलम टॉप पे लगी है, और मैंने एक बेल्ट बनवाई है ताकि फिटिंग काफ़ी अच्छी आए. एंड दिस इज़ द फाइनल लुक. सो जो टोटल बजट बैठा है वो बैठा है 7,220 रुपीज़. एंड ऑनेस्टली दिस इज़ लग्जरी इन बजट. ट्रस्ट मी, ऐसे मटेरियल जो टिशू जॉर्जेट आता है बहुत महंगा बनता है. आप ऐसे डिजाइनर कलेक्शन पे देखोगे ऐसे वाले सूट आराम से 40-50,000 क्रॉस करते हैं. सो आई एम रियली हैप्पी विद द लुक. इट लिटरली गिव्स दैट आलम जे फ्रॉम हीरा मंडी काइंड ऑफ वाइब. लव द ब्लिंग. अभी जब मैं इसको एक्चुअल वेडिंग पर पहनूंगी ना, इसकी ब्लिंग आप देखना बहुत प्यारी आएगी. आई थिंक दिस इज वेरी नाइस फॉर डे फंक्शन एज वेल. एंड या दिस इज द फाइनल लुक. सो डेफिनेटली चेक इट आउट पारस गैलरी फॉर मोर सच फैब्रिक्स. आपके पास जो भी पिंटरेस्ट की इमेज हो आपको डेफिनेटली वो फैब्रिक पारस गैलरी में मिल जाएगा. जरूर जाना लाजपत नगर में, और अगर आप जाओगे तो प्लीज मेरा नाम लेना फॉर एडिशनल डिस्काउंट. सो डू चेक इट आउट. आई पर्सनली लव्ड इट. द होल आइडिया ऑफ कस्टमाइजेशन लिटरली सेव्स अ लॉट ऑफ मनी. सो डेफिनेटली विजिट एंड मेक योर ओन कस्टम मेड आउटफिट.